हल्द्वानी से दिल्ली जा रही रोडवेज बस का चालक टांडा जंगल के पास नशे की हालत में सीट पर अचेत हो गया। इससे तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होने लगी। यात्रियों ने देखा कि चालक स्टीयरिंग पर बेहोश पड़ा है। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। CISF के सब इंस्पेक्टर सोनू शर्मा ने सूझबूझ का परिचय देते हुए किसी तरह बस को रोका। इसके बाद हल्द्वानी डिपो से दूसरी बस भेजकर यात्रियों को दिल्ली रवाना किया गया। बस में सवार 55 यात्रियों की जान जोखिम में डालने के मामले में पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चालक विजेंद्र को गिरफ्तार कर बस सीज कर दी है। हल्द्वानी डिपो के ARM सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले में चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अनुबंधित CNG बस के मालिक को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।